स्टूडेंट, मैं कीर्ति परोहा 12th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, अभी इसके प्रीवियस वीडियो में हमने विकास एवोल्यूशन पार्ट 1 को समझा था, अब हम समझेंगे एवोल्यूशन पार्ट 2। देखते हैं, इंग्लैंड का एक उदाहरण है। श्वेत पंख वाले तथा गहरे वर्ण वाले शलभों की संख्या में भारी आनुपातिक परिवर्तन का जो संबंध है वो औद्योगिकीकरण से जुड़ा पाया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो आपको ध्यान रखना है। औद्योगिकीकरण से पूर्व शलभों के निवास स्थान वाले पेड़ों पर लाइकेन उगने के कारण बैकग्राउंड कैसा था? सफेद था, जिससे श्वेत पंखी शलभों की रक्षा उनके शिकारियों से होती थी तथा गहरे वर्ण वाले शलभ शिकारियों द्वारा आसानी से पकड़े जाते थे। अतः श्वेत पंखी शलभों का अनुपात काफी अधिक था, परंतु सघन औद्योगिकीकरण के कारण धुआं और काले के कारण पेड़ों के छाल काले पड़ने लगे तथा उन पर उगे लाइकेन भी समाप्त होने लगे, जिससे बैकग्राउंड गहरे या काले रंग का हो गया। अब क्या हुआ? पहले क्या था कि बैकग्राउंड कैसा था? लाइकेन के कारण व्हाइट कलर का था, तो शलभ जो थे वो भी कैसे थे? व्हाइट कलर के होते थे। अब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वहां पर धूल धुआं के कारण पेड़ छाल काले पड़ने लगे, लाइकेन भी समाप्त हो गए, तो बैकग्राउंड गहरे या काले रंग का हो गया। अब इस स्थिति में काले या गहरे वर्ण वाले शलभ का अनुपात काफी अधिक हो गया। पर उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां औद्योगिकीकरण नहीं हुआ, उस दौरान श्वेत पंखी शलभों का अनुपात काफी अधिक बना रहा। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में श्वेत पंख वाले शलभ पाए जाते रहे। यह इस बात का संकेत देता है कि आबादी में मौजूद विविध गुणों वाले जीवों का प्राकृतिक चयन होता है। सेलेक्टिव एडवांटेज वाले जीवों की आबादी प्रकृति द्वारा समर्थन पाकर अपनी जाति का प्रतिनिधित्व करती है और विकल्पी गुणों वाले जीव बने रहते हैं, किसी का पूर्ण विनाश नहीं होता। इसी प्रकार शाकनाशकों, कीटनाशकों एवं एंटीबायोटिक के प्रयोग के फलस्वरूप कम समयावधि में प्रतिरोधक जीवों का चयन भी मानवोद्भवी क्रियाओं द्वारा विकास का एक उदाहरण है। क्या होता है कि जब एंटीबायोटिक और इन सब चीजों का अपन उपयोग करते हैं और आप सब देखते हो कि कुछ दिन बाद वो बेअसर हो जाते हैं। इसका कारण क्या रहता है कि इसके द्वारा भी एक विकास हो जाता है, लोगों में जीवों में उस प्रकार के चेंजेस आ जाते हैं। यह बताता है कि विकास एक प्रसंभाव्य प्रक्रम प्रोसेस है, अर्थात यादृच्छिक प्रकरण है, जो प्रकृति के संयोग, अवसरधारी घटनाएं और जीवों में संयोग जन्य उत्परिवर्तन पर आधारित है। जीवन में क्या होता है, जीवों में जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, उनके जीन्स म्यूटेट हो जाते हैं, तो उसके कारण वो चेंजेस ले आते हैं। नेक्स्ट देखें, गैलपेंगो द्वीप की एक वर्णन आता है कि गैलपेंगो द्वीप पर यात्रा के दौरान चार्ल्स डार्विन ने काली चिड़िया डार्विन फिंच के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन उसकी चोंच के आधार पर किया। उसकी चोंच में विविधताएं उसके भोजन स्वभाव के आधार पर उत्पन्न हुई। मतलब जो चोंच थी वो काली चिड़िया की कैसी थी, अलग अलग प्रकार की थी, तो उसने देखा कि ये उनके भोजन के आधार पर हुई। प्रारंभ में ये पक्षियां बीज भक्षी थी तथा बाद में भोजन स्वभावों में बदलाव के कारण अनुकूलित हुई। चोंच के ऊपर उठने जैसे परिवर्तनों ने इसे कीट भक्षी एवं शाकाहारी बना दिया। एक विशेष भूभौलिक क्षेत्र में हम देखें तो विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकरण, एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। अनुकूली विकरण क्या है? अनुकूली विकरण का दूसरा उदाहरण मार्सोपियल जंतुओं में पाने वाले जाने वाली विविधता है। ये सभी एक पूर्वज स्टॉक से विकसित हुए हैं, परंतु अलग थलग भौगोलिक क्षेत्र में, मतलब जहां जहां ये दूसरे जियोग्राफिकल रीजन्स में पहुंचे तो वहां पर इनमें अनुकूलन उनको उत्पन्न हुआ। उस अनुकूलन से जो बदलाव हुआ उससे उनमें विभिन्नता उत्पन्न हुई। इस विकरण के द्वारा संपन्न हुए विकास को अभिसारी विकास कहते हैं। अब देखें प्राकृतिक चयन सिद्धांत के बारे में। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहता है कि प्रकृति हमेशा परिवर्तित होती रहती है, भले ही ये धीरे धीरे हो, तथा हमेशा सर्वाधिक उपयुक्त जीवों का चयन करती है। प्रकृति ऐसा नहीं है कि प्रकृति सिर्फ मूक दर्शक है, नहीं, इसका जो चयनात्मक क्रम है वो बहुत ही धीरे होता है लेकिन चलता रहता है। वे जीवनक्षम तथा जननक्षम होते हैं जिनकी उपयुक्तता सर्वाधिक होती है।
उपयुक्त खास विशिष्टताओं पर आधारित होती है जो कि वंशानुगत होती है। कहने का अर्थ ये है कि प्राकृतिक चयन आनुवांशिक लक्षण जनित अनुकूलन पर आधारित होता है। ये आनुवांशिक लक्षण जीवों में यादृच्छिक उत्पन्न होते हैं तथा प्राकृतिक चयन हेतु विकल्प बनाते हैं। अब यहाँ पर देखें लैमार्कवाद का भी इसमें बहुत रोल है। जैसे डार्विन का था उसी प्रकार से लैमार्किज्म। फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क ने माना कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण हुआ। उनका यह मत कहना था कि जीव उत्पन्न हुए उनके जो अंग थे वो थे, लेकिन वो कौन से उपयोग में ज्यादा आते और कौन से कम आते उसके हिसाब से जीवों का विकास हुआ। उनका कहना था कि जीव जिस दिशा में लगातार प्रयास करता है वह गुण उसके स्वभाव व आनुवांशिक गुण में अगली संततियों में बाहित होते रहते हैं। इसे अर्जित लक्षणों के आनुवांशिकता के रूप में वर्गित किया। आज लैमार्क का सिद्धांत पूरी तरह नकार दिया है। लैमार्क ने कहा कि जो जीव का जो अंग या जो विशेषताएं पूरे समय चलती रहती हैं वही उसके अनुकूलन और विकास का कारण बनती है। डार्विन का मत था कि विविधताएं जो कि वंशानुगत होती हैं कुछ चयनित सदस्यों को औरों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त संसाधनों की उपयोगिता बेहतर तरीके से करने में सक्षम बनाती है। अर्थात जीव पर्यावरण से बेहतर अनुकूलन करते हैं। ये विविधताएं वहन करने वाले जीवों को अधिकाधिक प्रजनन तथा अधिकाधिक संततियां उत्पन्न करने के लायक बनाती है। कुछ पीढ़ियों बाद इन विविधताओं वाले संततियों की संख्या जीव संख्या आबादी की विशिष्टता में इतना बदलाव लाते हैं कि एक नया स्वरूप या प्रजाति प्रकट होती है। उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि जीवों में जो विविधता है जनन एवं विकास में नजदीकी संबंध है। वैज्ञानिकों ने इस बात पर खोज शुरू की कि विविधता का उद्गम या मूल कारण क्या है। ह्यूगो ड्रीविज नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इवनिंग प्राइमरोज पर अध्ययन के दौरान म्यूटेशन की परिकल्पना को आगे बढ़ाया। म्यूटेशन का अर्थ है जीवों में स्वतः उत्पन्न स्थायी आनुवांशिक परिवर्तन के उत्परिवर्तन दिशाहीन होते हैं, परंतु डार्विन के लिए छोटी छोटी विविधताएं भी दिशावान होती हैं। म्यूटेशन का एक बहुत बड़ा माना गया रोल किसके लिए, उद्विकास के लिए। डार्विन के अनुसार जहां विकास क्रमबद्ध होता है वहीं डीब्रीज के अनुसार उत्परिवर्तन ही प्रजाति की उत्पत्ति का कारण है। डीब्रीज ने इसे साल्टेशन अर्थात विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम बताया। हम जानते हैं कि जीव के युग्म विकल्प जीन के युग्म विकल्प एलील जो है क्रोमोजोम पे एक नियत स्थान पर पाए जाते हैं जिसे लोकस या विस्थल कहते हैं। समष्टि स्तर पर किसी खास जीन का अध्ययन करें तो हर व्यक्ति का जीनोटाइप प्रतिनिधित्व करता है। अगली पीढ़ी में जीन एवं जीनोटाइप की आवृत्ति वर्तमान जीनोटाइप के लैंगिक अंतःक्रिया पर आधारित है जो कि हम रिप्रोडक्शन और आनुवंशिकता वाले पाठ में अध्ययन कर चुके हैं। इस प्रकार के अध्ययन की विधा समष्टि आनुवंशिकी कहलाती है। यह एलील प्रवृत्ति के अध्ययन पर आधारित है। अब देखो जी हार्डी डब्ल्यू विनबर्ग ने समष्टि आनुवंशिकी के मूल सिद्धांत प्रतिपादित किए। हार्डी विनबर्ग सिद्धांत आदर्श आबाद की कल्पना पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार एलील आवृत्ति एवं जीनोटाइप आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहते हैं, पर शर्त क्या है? पहला, सभी प्रकार के जीनोटाइप के व्यक्तियों की जीवन क्षमता एवं प्रजननी सफलता समान हो तथा कोई चयन उसे प्रभावित ना कर रहा हो। दूसरा, कोई नया एलील म्यूटेशन द्वारा ना जोड़ा जाता, मतलब कोई भी उत्परिवर्तन उसमें ना आए। तीसरा, आबादी बहुत ही बड़ी हो जिसमें सैंपलिंग गलती के बराबर ना हो। चौथा, व्यष्टियों के बीच यादृच्छिक प्रजनन हो। पांचवा, व्यष्टियों का स्थायी प्रवास ना हो। हार्डी विनबर्ग सिद्धांत आनुवांशिक संतुलन को दर्शाता है। यदि उपरोक्त शर्तों को कोई आबादी पूरी तरह पालन करती है तो उसमें कोई उद्विकास नहीं होगा। लेकिन क्या यह संभव है? हो ही नहीं सकता। एक जीन से संबंधित एलीलों का आवृत्ति योग एक होता है। यदि किसी जीन के दो एलील ए कैपिटल ए तथा स्मॉल ए हो तथा आबादी में उनकी आवृत्ति क्रम से पी एवं क्यू हो तो उनके जीनोटाइप क्या हो जाएंगे? कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए या स्मॉल ए और स्मॉल ए जो कि हम कर चुके हैं। तो ए जीनोटाइप की आवृत्ति क्यू पी, ए स्मॉल ए जीनोटाइप की आवृत्ति टू पी क्यू, ए ए जीनोटाइप की आवृत्ति क्यू होंगी तथा पी प्लस क्यू बराबर एक होगा।
ये किसने कहा? हार्डी विनबर्ग सिद्धांत के अनुसार जीनोटाइप का योग भी एक होगा, अर्थात पी प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू 1% D1, जो कि पी प्लस क्यू के द्विपद अभिव्यक्त को पीढ़ियों के बीच नापी गई आवृत्तियों में तथा अपेक्षित आवृत्तियों में विचलन आता है तो उद्विकास दर्शाता है। इतना डिटेल में आपको नहीं है, फिर भी आप एक बार समझ लीजिए। ये सभी आंकड़े हार्डी विनबर्ग सिद्धांत के आधार पर अपेक्षित हैं। यदि किसी आबादी के दो गति की ओर इशारा करता है, आबादी की आनुवंशिक साम्यता में विचलन उद्विकास प्रवृत्ति का द्योतक है। आनुवंशिक साम्यता हार्डी विनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले हैं जीन पलायन, आनुवंशिक विचलन, उत्परिवर्तन, आनुवंशिक पुनर्योग तथा प्राकृतिक वरण। ये सब किसको? हार्डी विनबर्ग साम्यता को प्रभावित करते हैं। यदि कोई नया एलील या नया जीन समष्टि में जुड़ जाए तथा लगातार उसकी आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी एक खास दिशा में बढ़ जाए, तो ऐसा समय आता है कि नई समष्टि अपने मूल समष्टि से एकदम भिन्न दिखने लगती है तथा एक नई समष्टि या आबादी या प्रजाति का आविर्भाव यानी उत्पत्ति हो जाती है। किसी नए एलील के आने से हो सकता है कि नई आबादी या नई प्रकार की प्रजाति का जन्म हो जाए। इस प्रकार उत्परिवर्तन या युग्मक उत्पादन के दौरान होने वाला पुनर्योजन, जीन अपवाह के कारण जीन आवृत्ति या एलील आगामी पीढ़ी में भी चलता रहता है। स्थायी प्राकृतिक वरण द्वारा एक भिष्ट समष्टि का आभास होने लगता है। जैसे लगभग 2 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रथम कोशिका प्रकट हुई, इसमें से कुछ कोशिकाओं में O2 ऑक्सीजन मुक्त करने की क्षमता विकसित हुई। 500 मिलियन वर्ष पूर्व अकशेरुकी जीव बने। 350 मिलियन वर्ष पूर्व जबड़े रहित मछली विकसित हुई, जो कि हम समझ चुके हैं, आप 11th में इसको समझे हो। 320 मिलियन वर्ष पूर्व कुछ समुद्री खरपतवार अस्तित्व में आए, पहले जीव पादप थे जो पृथ्वी पर आए। आधुनिक युग में प्राणी, मेंढक, सेलामेंडर जीवों के पूर्वज सीलाकेंथी मछली मानी गई है। इनुभाचर प्राणियों के बाद से सरीसृप विकसित हुए। 200 वर्ष पूर्व मछली जैसे सरीसृप जैसे इक्थियोसारस पैदा हुए। 200 मिलियन वर्ष बाद विभिन्न आकार एवं आवृत्ति वाले सरीसृपों ने पृथ्वी पर अपना आधिपत्य कायम किया। सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा था? रेप्टाइल टायरेनोसॉरस रेक्स था, जो कि आप लोग पढ़ते होंगे। 65 मिलियन वर्ष पूर्व अचानक पृथ्वी से, यहाँ 200 मिलियन वर्ष कर लेना बेटा, अचानक पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो गए। वैज्ञानिकों का मत है कि वातावरण एवं जलवायु परिवर्तनों के कारण डायनासोर विलुप्त हो गए। महाद्वीपीय विस्थापन एवं विचलन के कारण कई जीवों का अस्तित्व बच गया, जैसे कंगारू। मनुष्य का विकास सर्वाधिक सफलता की कहानी है, क्योंकि मनुष्य सभी प्राणियों में सबसे योग्यतम उत्तरजीविता प्रदर्शित करता है। डार्विन ने अपनी पुस्तक डिसेंट ऑफ मैन 1871 द्वारा यह बताया कि केवल वानर, विशेषकर मानवाकार ही मनुष्य के पूर्वजों के समीप आ सकते हैं, परंतु मानवाकार कपियों एवं मनुष्य के विकास के बीच एक बड़ी खाई है, जिसे लुप्त जीवाश्मकों की खोज करके ही कम कर सकते हैं। लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोप्थोफिकस एवं रमापिथिकस नर वानर विद्यमान थे। इनके बाल शरीर बालों से भरपूर थे, गोरिल्ला एवं चिंपैंजी जैसे लगते थे। ड्रामोपिथिकस की प्रतिकृति गिब्बन, बृहदकपि और मनुष्य में अभी पाई जाती है। ये मनुष्य सहित सभी मानवाकार कपियों के सामान्य पूर्वज थे। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? मानव विकास के बारे में। रामापिथिकस अधिक मनुष्य जैसे थे। 3-4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे नर वानर प्राइमेट्स पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते रहे। इनकी ऊंचाई 4 फुट से अधिक नहीं थी, वे खड़े होकर चलते थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जो जीवाश्म है, इस युग के सभी जीवाश्मों में अधिक मानवाकार था। मानवाकार मतलब मानव से ज्यादा रिजेम्बल करता था। इसकी कपाल गुहा का आयतन लगभग 600 cc था, जो मानव की तुलना में काफी कम था। फिर भी वह अपने संवर्ती कपियों के से बड़ी कपाल गुहा रखता था। ये फलों का भोजन करते थे। फिर पूर्वी अफ्रीका के टेंगेतियान स्थान से होमो हैबिलस नामक कुछ और विकसित मानव आकृति जीवाश्म मिले। इसे पहला मानव जैसा प्राणी कहा जाता है। इसकी लंबाई 4 फुट, हाथ विकसित से उपकरण बनाने की क्षमता का द्योतक है। इसकी कपाल गुहा का आयतन लगभग 600 cc था। ये संभवतः मांस नहीं खाते थे। उत्तर भावी मनुष्य के अंतर्गत होमो इरेक्टस अथवा जावा और चीन के मानव आते हैं। होमो इरेक्टस लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में थे।
इनका मस्तिष्क, अब देखिए मस्तिष्क का गुहा का आयतन बढ़ गया, अब 600 से कितना हो गया, 900 cc हो गया। ये संभवतः मांस खाते थे। होमो इरेक्टस के बाद विकास दो शाखाओं में बढ़ गया। पहला नियंडरथल, पहली शाखा नियंडरथल मानव में अंत हो गया, दूसरी शाखा क्रोमैग्नन मानव। क्रोमैग्नन मानव ही वर्तमान मानव तक पहुंच जाती है, इसको आधुनिक मानव कहा जाता है। ये लंबे, सुडौल, सुदृढ़ और बुद्धिमान थे। नियंडरथल मानव की कपाल गुहा 1400 cc थी। ये 1 लाख से 40 हजार वर्ष पूर्व लगभग पूर्वी मध्य एशियाई देशों में रहते थे। ये अपने शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे। होमो सेपियंस अफ्रीका में विकसित हुए, धीरे धीरे विभिन्न महाद्वीपों में पहुंचे। लगभग 175 हजार से 10 हजार वर्ष के दौरान हिमयुग में आधुनिक युगीन मानव पैदा हुआ। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना लगभग 18 हजार वर्ष पूर्व हुई। कृषि कार्य लगभग 10 हजार वर्ष पहले शुरू हुए और मानव बस्तियां बनना शुरू हुई। तो इस प्रकार से मानव के विकास को हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू बच्चों।